प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जहां दो दिन की यात्रा पर नेपाल पहुंचे, ठीक उससे एक दिन पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दो दिन की यात्रा पर म्यांमार पहुंचे। विदेश मंत्री ने इस दौरान म्यांमार की स्टेट काउंसलर आंग सान सू से मुलाकात की। भारत और म्यांमार के बीच 7 तरह के समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। माना जा रहा है कि ये समझौता रखाइन प्रांत में आर्थिक और सामाजिक विकास से संबंधित है। रखाइन प्रांत में ही सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। भारत सरकार रखाइन प्रांत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए फंड मुहैया कराने पर विचार कर रही है, जिससे रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके और भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजा जा सके। खास बात यह है कि सुषमा स्वराज ने म्यांमार सेना के कमांडर इन चीफ और सीनियर जनरल मिन आंग ह्यांग से भी मुलाकात की। बता दें कि म्यांमार सेना पर आरोप लगते रहे हैं कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिससे वो म्यांमार छोड़कर भागने पर मजबूर हैं।